आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे बहुत ही ग्रैंड स्केल पर बनी टॉप 10 इपिक एक्शन एडवेंचर मूवीज को जो बहुत ही अमेजिंग है। इन मूवीज के अंदर हमें लॉट्स ऑफ एक्शन एंड एडवेंचर देखने को मिलती है जो आपको बहुत पसंद आ सकती है। मोस्ट ऑफ द मूवीज हिंदी में डब डे होगा। इस वीडियो में लाइक कमेंट कर देना एंड ऐसी अमेजिंग मूवीज के लिस्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो विदाउट एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो आज का हमारी इस काउंटडाउन में नंबर 10 पर आती है रॉबिन हुड। मूवी आई थी 2018 में। एक बहुत ही जबरदस्त एक्शन एडवेंचर मूवी है। मूवी की शुरुआत होती है इंग्लैंड से, जहां एक करप्ट क्राउन की वजह से वहां के लोगों की जिंदगी बदतर हो जाती है। उसके डर के कारण कोई भी प्रोटेस्ट करने का हिम्मत नहीं कर पाता है। मूवी के अंदर एक गरीबों का मसीहा होता है जिसे रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। वो अमीरों से लूट कर गरीबों को बांट देता है। जब उसे उस इंग्लिश क्राउन के बारे में पता चलता है तो वो और एक कमांडर मिलकर उसके खिलाफ एक रिवोल्ट शुरू कर देते हैं जो एक्शन से भरपूर है। आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको मूवी देखना पड़ेगा। 5.3 की रेटिंग है इस मूवी की IMDb पर। तो इस काउंटडाउन में नंबर 9 पर आती है कोनान द बारबारियन। मूवी आई थी 2011 में। एनियक और बहुत ही जबरदस्त एक्शन एडवेंचर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है सिमेरियन वॉरियर कोनान की, जो बदला चाहता है एक वार्लॉर्ड से जिसने उसके गांव पर हमला करके गांव वालों और उसके पिता को मार देता है। लेकिन जब उसके किंगडम पर एक और बड़ा खतरा आ जाता है तो वह सबसे पहले उस खतरे से निपटने के लिए एक एक्शन एडवेंचर शुरू करता है जो आपको बहुत पसंद आ सकती है। आगे की कहानी आप इस मूवी के अंदर देख सकते हैं। 5.1 की रेटिंग है इस मूवी की IMDb पर। इस काउंटर में नंबर 8 पर आती है सोलोमन केन। 2009 में आई एक बहुत ही इपिक एक्शन फैंटासी एडवेंचर मूवी है। कहानी की शुरुआत होती है एक रूथलेस मर्सिनरी सोलोमन से, जिसे पता चलता है उसकी आत्मा नर्क में जाने वाली है और ये जानने के बाद वो बायलेंस का रास्ता छोड़ देता है और एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करता है। लेकिन जब एक यंग लड़की का अपहरण कर लिया जाता है और उसके परिवार को एक जादूगर के एक जानलेवा काल के द्वारा मार दिया जाता है तो वो उनसे लड़ने और बुराई को मिटाने फिर से बायलेंस का रास्ता अपना लेता है जो एक्शन एंड एडवेंचर से भरपूर है। 6.1 की रेटिंग है इस मूवी की IMDb पर। इस लिस्ट में नंबर 7 पर आती है किंग आर्थर। मूवी आई थी 2004 में। एक बहुत ही इपिक एक्शन एडवेंचर मूवी है। कहानी की शुरुआत होती है 400 AD में। रोमन एम्पायर अपने किंगडम को ब्रिटेन तक एक्सटेंड कर चुके होते हैं और वहाँ के सार्मेटियन पीपल के वार स्किल से रोमन प्रभावित हो गए। लेकिन रूम में अभी भी अशांति है तो वहाँ के एक लीडर आर्थर रूम में फिर से शांति लाने की कोशिश करता है। लेकिन वो ऐसा कर पाता है इससे पहले ब्रिटेन में एक सिविल वॉर शुरू हो जाता है और अब ब्रिटेन में एक नया लीडर चाहिए। अब कौन बनेगा ब्रिटेन का नया लीडर जो दोनों किंगडम में शांति ला पाएगा, ये जानने के लिए आपको मूवी देखना पड़ेगा। 6.3 रेटिंग है इस मूवी के IMDb पर। सो इस काउंटडाउन में नंबर 6 पर आती है फ्यूरियस। मूवी आई थी 2007 में। एंड ये ट्रू स्टोरी पर बेस्ड एक रशियन एक्शन एडवेंचर मूवी है जो बहुत ही अमेजिंग है। कहानी की शुरुआत होती है 13th century में, जब मंगोल एक के बाद एक देश को जीत रहे थे और कत्लेआम मचा रहे थे। तब उनका एक वीर रशिया को कंक्वायर करने के लिए निकलता है। लाखों की तादाद में वो रशिया में घुसते और कत्लेआम मचाना शुरू कर देते। तब वो आके 17 ब्रेव आदमी जिनको एक फियरलेस वॉरियर लीड कर रहा था वो उन मंगोल को रोकने के लिए खड़े हो जाते हैं। अब आगे क्या होता है, कौन जीतता है, कौन हारता है, ये जानने के लिए आपको मूवी देखना पड़ेगा। 6.2 की रेटिंग है इस मूवी की IMDb पर। तो आज का हमारी इस काउंटडाउन में नंबर 5 पर आती है 47 रोनिन। ये एक बहुत ही जबरदस्त एक्शन फैंटासी एडवेंचर मूवी है जो 2013 में आई थी। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है सामुराई के एक ग्रुप की। वह ग्रुप अपने मास्टर की डिसऑनर और उसका मौत का बदला लेने के लिए एक रूथलेस किंग से एक इपिक जर्नी शुरू करते हैं जो एक्शन से भरपूर है। आगे की स्टोरी आप मूवी के अंदर देख सकते हैं, आपको बहुत पसंद आ सकती है। 6.2 की रेटिंग है इस मूवी की IMDb पर। आज के इस काउंटडाउन में नंबर 4 पर रहती है द लोन रेंजर। 2013 में आई एक वेस्टर्न एक्शन एडवेंचर मूवी है जो बहुत ही अमेजिंग है। मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है एक रूथलेस डेकैत कैवेंडिस की, जो गांव पर तहलका मचा कर रख देता है, चारों तरफ खून खराबा करके लोगों का जीना हराम कर देता है। मूवी के अंदर एक लॉयर होता है जो अपने भाई के साथ मिलकर कैवेंडिस को पकड़ने जाता है, लेकिन वो उन पर हमला करके उन्हें मरने के लिए छोड़ देता है। लेकिन टोंटो नाम का एक बागी ने उसे बचाता है और फिर वह दोनों मिलकर कैवेंडिस और उसके आदमियों को टेक डाउन करने के लिए निकलते हैं जो एक्शन एडवेंचर से भरपूर है। 6.4 की रेटिंग है मूवी के IMDb पर। तो आज का हमारी इस लिस्ट में नंबर 3 पर आती है पाथ फाइंडर। मूवी आई थी 2007 में। एक बहुत ही जबरदस्त एक्शन एडवेंचर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है एक लड़के की, जिसके गांव पर बाइकिंग्स ने हमला कर देता है और सबको मार डालते हैं और वो किसी तरह से बच जाता है। उसे एक नेटिव अमेरिकन ट्राइब ने पाल कर बड़ा करते हैं। लेकिन सालों बाद जब बाइकिंग्स ने फिर से उसके ट्राइब पर हमला कर देते हैं तो उनको डिफेंड करने के लिए बाइकिंग्स के खिलाफ लड़ना शुरू कर देता है। आगे क्या होता है जानने के लिए आपको मूवी देखना पड़ेगा। 5.4 की रेटिंग है इस मूवी की IMDb पर।
तो इस काउंटर में नंबर टू पर रहती है द लास्ट किंगडम सेवन किंग्स मस्ट डाई। मूवी आई थी 2023 में, एक बहुत ही अमेजिंग एक्शन एडवेंचर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है, जब इंग्लैंड का राजा किंग एडवर्ड मर जाता है तब इंग्लैंड में पूरी तरह से सिविल वॉर शुरू हो जाता है। क्राउन के लिए इन्वेडर्स और राइवल ग्रुप लड़ाई शुरू कर देते हैं, हजारों लोग मरने लग जाते हैं। इसी बीच आर्टलेड और उसके साथियों ने इंग्लैंड को एकजुट करने के एक साहसिक प्रयास शुरू करते हैं। क्या वो इस काम में कामयाब हो पाएंगे या नहीं, जानने के लिए आपको मूवी देखना पड़ेगा। 6.9 की रेटिंग है इस मूवी की आईएमडीबी पर। फाइनली नंबर वन पर आती है द नॉर्थमैन। मूवी आई थी 2022 में, एक बहुत ही अमेजिंग एक्शन एडवेंचर मूवी है। मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है प्रिंस ऑमलेट की, जब वो बच्चा था तब उसके अंकल ने उसके पिता को ब्रूटली मार डालता है और उसके माँ को जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है और ऑमलेट किसी तरह से बचकर अपने गाँव छोड़कर भाग जाता है। फिर वो बाइकिंग्स के एक रूथलेस ग्रुप के साथ रहकर वो भी एक वायलेंट बाइकर बन जाता है। 20 साल बाद जब वो एक दिन अपने ग्रुप के साथ एक विलेज पर अटैक करने जाता है तो वहाँ के एक बुजुर्ग ने उसे अपना अतीत याद दिलाता है और उसका वो कसम कि अपने माँ को बचाओ और अपने अंकल को मार डालो और अपने बाप का मौत का बदला लो। अब आगे क्या होता है जानने के लिए आपको मूवी देखना पड़ेगा। 7/10 की रेटिंग है इस मूवी की आईएमडीबी पर। तो यह था आज का हमारे टॉप 10 इपिक एक्शन एडवेंचर मूवीज के लिस्ट। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट कर देना और आने वाली ऐसी अमेजिंग मूवीज के लिस्ट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।